कौन है बिग बॉस OTT3 की शिवानी कुमारी, क्या है इनकी कहानी। बिग बॉस OTT3 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। बिग बॉस के घर में 16 कंटेस्टेंट एंट्री कर चुके हैं और इन सभी के नाम बहुत पहले ही सामने आ चुके थे। बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी बिग बॉस OTT3 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर यूट्यूबर्स का बोलबाला है। एक्टिव की दुनिया से इनसे बस 3-4 नाम ही शामिल किए गए हैं। इस बार बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट का नाम है शिवानी कुमारी, जिसे आज सोशल मीडिया पर कौन नहीं जानता, लेकिन इनके पहले की जिंदगी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो आइए बात करते हैं कैसी थी उनकी पहले की जिंदगी। शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की अररिया गांव की रहने वाली है और पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह अपने गांव में रहकर ही मजेदार रील्स बनाती हैं, जिसमें कॉमेडी भी होती है। इंस्टाग्राम पर उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर उनके 2.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनके वीडियो ब्लॉग्स काफी पसंद किए जाते हैं, तभी तो एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज हैं। आज शिवानी कुमारी अपने दम पर लोकप्रियता पा रही हैं और बिग बॉस तक भी पहुंच गई हैं। पर कभी ऐसा भी वक्त देखा जब उनके पास चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। शिवानी कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक वीडियो से शुरू की थी। जब शिवानी कुमारी के वीडियोस बनना शुरू किया था तो पड़ोसी भी उन्हें ताने मारते थे, लोग उन्हें पागल कहते थे। इस कारण उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब जब शिवानी कुमारी सोशल मीडिया की दुनिया पर खूब नाम कमा रही है और माँ को भी गर्व होता है। शिवानी कुमारी ने कभी आर्थिक तंगी झेली थी, पर आज वह रील्स और यूट्यूब चैनल से लाखों रुपए कमा रही है।